सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज सागर कमलान, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम और एक लोकेशन पे हैं जिसका नाम है हरिहरेश्वर, जहाँ एक बीच है, एक मंदिर है और एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, और साथ ही में ये ओशन वाटर करंट्स, भाई देख के मज़ा ही आ गया। दिस प्लेस इज वेरी नियर टू श्रीवर्धन बीच, सिर्फ 15-20 किलोमीटर के अंदर आता है। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी न्यू, कल हमने श्रीवर्धन बीच एक्सप्लोर किया और वापस आते आते वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस पैराडाइज एज वेल, सो स्टे ट्यून। हरिहरेश्वर पहुंच ही चुके थे कि गूगल मैप्स बंद हो गया, तो फिर क्या, लोकल्स की हेल्प और कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके हम निकले आगे। कितना गलत ना, तो गाड़ी खाली नहीं गले, ठीक है, तो फसला तो मैं मांदे होता। हाँ, चलिए। सो नाउ वी आर एट हरिहरेश्वर बीच, गाड़ी पार्क किया है, अभी बीच की तरफ जा रहे, रास्ता कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे दो जगह है जहाँ से आप ये बीच एंजॉय कर सकते हो, एक तो है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ और उसके बाद हम शायद जाने वाले एक मंदिर के पास। यहाँ पे एक मंदिर भी है और वहाँ के पास का व्यू और अच्छा है, जो हमने अभी सुना है, लोकल गाइड्स ने भी बताया। फॉर नाउ ये सुपारी के खेतों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं जहाँ से रास्ता बना हुआ है। ये बीच काफ़ी खाली है, देयर इज ओनली अ फ्यू पीपल अराउंड, ये मोस्टली बीच साइड वाले रिसोर्ट के गेस्ट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके हम निकले आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हाँ, इस लोकेशन के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्यों तो वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। सो ये पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम लोग अभी बीच की तरफ जा रहे हैं, मंदिर भी है यहाँ पे, तो मंदिर भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए एक छोटी सी लेन है जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पूजा के सामान, प्रसाद, मिठाई, खिलौने, ऐसी कई सारी चीज़ें मिलती है। ये मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा हुआ है, एंड यस ऑब्वियसली इट्स वीकेंड, सो मंदिर में भीड़ भी काफ़ी है। फिर यहाँ पे लाइन में लग के बाद एक ऐसे दो मंदिर में श्री हरिहरेश्वर भगवान का दर्शन लेके हम आए मंदिर के बाहर। हरिहरेश्वर मंदिर के बाजू में और एक जगह है जहाँ से व्यू पॉइंट है, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। मंदिर के पीछे एक हिल है, यहाँ पे 5-10 मिनट का एक छोटा ट्रेक करके वी हैव रीच्ड टू द पीक पॉइंट, और जो मैंने आगे देखा, बिलीव मी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। सो फाइनली वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, हरिहरेश्वर बीच के पास और हरिहरेश्वर टेम्पल के पास। एक बहुत ही सीनिक जगह है जहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो दैट इज द वे फ्रॉम वेर यू कम। अगर आपको चढ़ के उतरना नहीं है तो देर इज अनादर वे, मैं आपको बताऊँगा। मंदिर के दो बाजू से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता थोड़ा हिल पे जाता है और फिर वहाँ से जब आप आते हो तो एक वैली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें से आप आ सकते हो। आने के बाद थक जाते हो तो यू कैन टेक अनदर राउट जो मंदिर के दूसरे साइड से जाता है, जो बेसिकली मैं अब जहाँ से जाने वाला हूँ, आई विल शो इट टू यू। और यहाँ के पत्थर पूरे से पानी से झड़ झड़ के निकले हो गए या फिर पोरस हो गए पूरे, और बाकी तो ये है ही, तो ये बात है। शायद रात में यहाँ पे पानी आता होगा, बट आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी और क्या क्या देखने को मिलता है, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे पानी से पत्थरों को कट करके एक गुफा टाइप बना हुआ है, गुफा टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हम देखने जा रहे हैं। चलो चलते हैं गुफा में। गुफा देखो बड़ी चीज़ है। अरे गुफा जैसा दिख रहा है भाई, लेकिन गुफा नहीं है, तो ये ऐसा कुछ है। ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है, और शांत है जिन लोगों का आवाज़ कम है, बाकी समंदर का आवाज़ तो है, लेकिन दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। मैं तो भाई घंटों तक यहाँ पे बैठा रह सकता हूँ बस ये आवाज़ सुनते हुए, क्योंकि जो पानी ऊपर जिस इंटेंसिटी से आ रहा है ना, आई कैन नॉट टेल यू। अभी दिखेगा नहीं दिखेगा।
खोलती हुई लहरें देखने के बाद अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी निकलते हैं। मतलब लग नहीं रहा है जाना चाहिए, लेकिन अभी जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो रहा है और हमें पुणे के लिए भी निकलना है आज के दिन में। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है ना बहुत ज़बरदस्त है, पानी ऐसे उड़ रहा है ना ऊपर, ये देखो। आई होप यू अभी कैसे होगा। इट वॉज सच ए पीसफुल एंड कामिंग एक्सपीरियंस सिटिंग हियर enjoying this beautiful day, this cold breezes, it feels so good. जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। तो वो है हरिहरेश्वर बीच और उसको ही लग के ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप सब यू कैन एक्सपीरियंस दैट कामनेस। डेफिनेटली यू शुड कम हियर वंस। बाकी यहाँ पे ऐसे शॉप्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बीच एरिया है और ये मंदिर एरिया है जहाँ से आप लोग बेसिकली जो दूसरा रास्ता मैं बोल रहा था। फिर वापसी में कोकोनट वाटर पी के वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक। वेल दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गाइज मस्ट हैव एंजॉयड दिस। इफ यस देन डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर ग्रुप जिनके साथ आप यहाँ पे ट्रिप प्लान करना चाहोगे, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।